दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है, और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं, इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है, और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता है? जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया,
जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रो, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल दो काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पांच मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और पांचवें मुख से नाद, यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं पांचों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस सृष्टि की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 60 शिष्यों के गुरु थे और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, जो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।